अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। मतलब किसी भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं। फाइव होते हैं बेसिकली। अगर हम लोग बात करें बिल्डिंग ब्लॉक्स की एक्सएमएल के अंदर, तो वो फाइव होते हैं। एक होता है हमारे पास एलिमेंट, एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज, पीसी डेटा एंड सी डेटा। इनके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। पीसी डेटा यहाँ पर क्या है? पार्स करेक्टर डेटा, ठीक है। और यहाँ पे सी डेटा मीन्स करेक्टर डेटा, फाइन। और एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स को हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हम फिर भी थोड़ा बहुत उनका ओवरव्यू और देखेंगे। तो ये हमारे पास पांच बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर मोस्टली यूज़ हो रहा होता है। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट की बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें, दैट इज़ द एलिमेंट। तो मेन, इट इज़ द मेन बिल्डिंग ब्लॉक, सबसे अहम बिल्डिंग ब्लॉक है। इस एलिमेंट्स के बगैर हमारा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट हम लिख ही नहीं सकते, ठीक है। एन एलिमेंट इज़ एवरीथिंग फ्रॉम द एलिमेंट्स स्टार्टिंग टैग टू द एलिमेंट्स एंडिंग टैग। एलिमेंट्स कैन कंटेन टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स अदर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? ये चीज़, ठीक है। ये इसके अंदर जो भी आप लिख रहे होते हो, ये आपके एलिमेंट का नाम होता है। और इसके थ्रू, इन टेक्स्ट के थ्रू अपना एक्सएमएल डॉक्यूमेंट नहीं लिख सकते। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, ये टेक्स्ट भी हो सकते हैं, कोई एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, या अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। कैसे? कि इन एलिमेंट्स के अंदर हम नेस्टेड जब अदर एलिमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस तरह से हमारे पास एलिमेंट्स के अंदर हम अदर एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स कंटेन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। हमारे एलिमेंट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें बताते हैं। इट्स वैल्यू इज इन डबल कोर्स में लिखते हैं हम उसकी वैल्यू को, या पर सिंगल कोर्स में। कैसे? देखो यहाँ पर एक हमारे पास पर्सन का एलिमेंट था, जिसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की कि उसका जेंडर है हमारे पास फीमेल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एंटिटीज। एंटिटीज़ क्या होती हैं? एंटिटीज़ यूज फॉर इंक्लूडिंग द स्पेशल करेक्टर्स। एंटिटीज़ को हम क्यों यूज़ करते हैं? फॉर इंक्लूडिंग स्पेशल करेक्टर्स को इंक्लूड करने के लिए हम एंटिटीज़ को यूज़ करते हैं। पीसी डेटा क्या होता है? पीसी डेटा इज़ द टेक्स्ट डेटा, जैसे कि अभी ऊपर हमने डिस्कस किया। इट इज़ द पार्स्ड करेक्टर डेटा दैट विल बी पार्स्ड बाय द पार्सर, जो कि हमारे पास पार्सर के थ्रू पार्स किया जाता है। द टेक्स्ट विल बी एग्जामिन्ड बाय द पार्सर फॉर एंटिटीज एंड मार्कअप्स, ठीक है। हमारे पास टेक्स्ट जो है वो एग्जामिन किया जाता है बाय पार्सर, पार्सर के थ्रू एंटिटीज के लिए और मार्कअप्स के लिए। करेक्टर डेटा क्या होता है? करेक्टर डेटा इज द, जिसको हम सी डेटा भी कहते हैं, सी डेटा इज द टेक्स्ट दैट विल नॉट बी पार्स्ड बाय द पार्सर, ठीक है। पीसी डेटा हमारे पास पार्स हो रहा था बाय यूजिंग द पार्सर, बट सी डेटा हमारे पास पार्स नहीं होता बाय यूजिंग द पार्सर। तो ये हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो कॉमेंट बॉक्स में, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।